वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम इतना ज्यादा लेट उठे हैं कि माँ यहाँ पे सब लोगों ने चाय नाश्ता सब कुछ कर लिया और हम अब सो के उठ रहे हैं, अभी ब्रश तक नहीं किया है। पता नहीं आज कितनी नींद आ गई मुझे, ना ही एक्सरसाइज किया है दोस्तों। तो आज काफी टाइम बाद ये ब्लॉग आ रहा है, तो दोस्तों प्लीज ढेर सारा प्यार दीजिएगा। चलो तो अभी सब लोग चले गए खेत पे, क्योंकि खेतों का काम अभी चल रहा है। मेरी धान तो कट के आ गई है, लेकिन अभी खेतों का काम चल रहा है। और खेतों का काम ये चल रहा है कि खेत में अभी गेहूं बोए हैं, अब मेरी धान देखो तो गेट लगा दिया है, अभी ब्रश करना है और अभी हम जाएंगे खेल देखने। खेल वाला आया है आज मेरे गाँव में, और हम कभी खेल देखने जाते नहीं है, लेकिन बंदर बंदरिया का खेल है तो हम जरूर देखने जाएंगे। बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो जरूर इसमें ऐड करूंगी, आप लोग भी देखना और प्यार देना ढेर सारा। पहले तो हम ब्रश कर लेते हैं फिर जाएंगे। तो चली गई खेल देखने, चलो हम ब्रश कर लेते हैं जाके। और मैं दोस्तों ब्लॉग तो डालती रहती हूँ, लेकिन फल की चिंता नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा शौक है। और प्लीज मेरा शौक ना शौक है तो आप ऐसा मत करिए कि आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट जरूर करिए। चलो मैं ब्रश कर लेती हूँ, मैं ब्रश कर लेती हूँ, ये मेरा बाथरूम है। पानी ना बहुत अच्छा लगता है, सच में ये लगता है कि धुलते रहो फेस, धुलते रहो। मैंने तो कर लिया है, तो ला अब करूँ मैं चाय नाश्ता। आज मैंने नहाया नहीं है सुबह से, मैं ये देखो पीछे कैसे शैतानी कर रहा है।
ये क्या बनाई हो? इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसे ही रखा है, वो टमाटर कटे रखे हैं। अम्मा खाना बना, लोगों ने देखी होगी शायद वीडियो यहीं मैं बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों ने कहाँ से देखी होगी? आप लोग तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ही नहीं किए हो, और इस जगह की तो वीडियो हमने इंस्टाग्राम पे ही डाली है, तो प्लीज जाके आप लोग फॉलो करिएगा, देख लीजिएगा। सुबह सुबह वॉक पे जाती है, अपने बच्चों को लेके घुमाने जाती है, के लिए आए तो वो तो देख ले, क्योंकि नहीं तो मुझे दाल और आलू खाना पड़ेगा, जो कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो देख, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे। सारे नार नीचे गिर गए हैं, इतनी बड़ी लौकी लगी थी कुछ कहीं ने। तो ये लगे करेले, ये इसमें ना पहले करेले बिल्कुल नहीं लगते थे, मम्मी ने इसमें झाकर आकर लगा दिए, कुछ छोटे लगे हैं, कुछ बड़े भी लगे हैं। ये देखो, आप लोगों को चाहिए ना तो मेरे घर से ले जाओ आ करके, देखो बहुत बड़े बड़े। अब मेरी हल्दी इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, बिंदु तोड़ रही है करेला, और मूंगफली के पेड़ हमने तो डाले नहीं ज़्यादा, इतने दो तीन है, तोड़ लो दो तीन मेरे भर के लिए, जो बड़े बड़े हों, छोटे छोटे हों वो छोड़ दो बस। देखो कितना बड़ा करेला, सच में लौकी, लौकी कितने करेले लगते हैं जितनी बड़ी लौकी होती है। ये मेरी हल्दी लगी है, टर्मरिक नेचुरल हल्दी, इस बार तो हल्दी मेरे यहाँ काफ़ी हो जाएगी, क्योंकि मैंने हल्दी का पेड़ खुद लगाया है, और मेरे घर के पीछे ये खेत है, यहाँ भी मैं रील्स बनाया करती हूँ, आप लोग देखते नहीं हो सच में बिल्कुल भी। यूट्यूब भी मैंने अभी से ही ज्वाइन किया है, और इंस्टाग्राम भी मैंने अभी से ज्वाइन किया है, तो आप लोग प्लीज़ प्यार दीजिए ना, आप लोग प्यार नहीं दोगे तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा काम करने में। लौकी भी लगी है यार, ये देखो दिख रही है लगी। अभी मेरा सहसूत का पेड़ है, ये सहसूत अभी लगी नहीं, अब लगेंगे थोड़ा। देखो कहाँ हाथ डाल के निकाल रही, क्योंकि ये कांटे वाली लकड़ी रखी। लो चलो फिर जल्दी घर चलो, कोई नहीं है, गेट लगा है इसे। तीन करेले तोड़ लिए, और तीन करेले में ना हम दोनों की सब्जी बहुत अच्छी बनती है, थोड़ी चीज वैसे भी अच्छी बनती है, तो चलते हैं। ये मेरा प्लॉट है, खूबसूरत ये रोड है, सुबह सुबह का नजारा ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हरे भरे आसपास खेत है, तो हमें तो अच्छा लगता है अपने गांव में, गांव को छोड़ के कहीं जाने का मन नहीं होता है। आप लोग मुझे मौज पे भी फॉलो करिएगा। ये क्या किया है? ये खा लो, ये बर्फी दोबारा जमा दी है, ये बार जमाई है। हाँ, कुछ है? कोई वाली बर्फी को पिघला के, वाह क्या स्वाद आया, घर में मिट्टी हुई गई अभी। नहीं ये बर्फी बना के स्वाद तो दिलाओ, कैसी है? कैसी नहीं है, इसे ले लो, ये पकड़ो करेला, ले ले पकड़ो पकड़ो पकड़ो, और ये लोग जलाओ की बर्फी निकाल के खा जा रहे हैं सारी अम्मा की, देख लो डब्बा डब्बा तोड़ के खा रहे भाई। कैमरा हम उल्टा पकड़े हैं तो इसलिए, क्या करे बिंदु, पकड़ आगे फोन गिर जाएगा नीचे, बिंदु पकड़। वाओ स्वादिष्ट बनी है, जैसी लौजी नहीं बनती है, लौजी की तरह बनाई है। हाँ तो सुबह अब बिल्कुल चाय बने हुए नहीं, अब नहीं चाय बने हुए, माँ नाश्ता ही आराम से, अब बर्फी खा ले, पानी पी लो क्या बाबा, पंचायत करने के बाद हम घर पे आ गए हैं बाबा के यहाँ से, और ये दोनों लड़ने में जुटे हैं, ये इतना छोटू सा है, ये ना पढ़ता है ना लिखता है, बस फोन चलाने में लग जाता है, बस
अब जा रहे भैया देखें जाके घर का काम धंध, क्या काम करना है क्या नहीं। चलो चलते हैं, काम कर लेते हैं फिर नहा धो के मिलते हैं। हमने नहा लिया है, अब नहा के फ्री हुए हैं हम पूरे दिन भर का काम धंध करके। कि कोई कहता है ना कि संडे का दिन अच्छा होता है, लेकिन हमें संडे का दिन बहुत बेकार लगता है। संडे के दिन पूरे दिन लगे लगे रहो लगे रहो, और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। कपड़े धुलो, साफ सफाई करो, और भी जितना काम छूटा हुआ होता है वो पूरा करो, पूरे दिन लगे रहो इसमें। और मैंने ये कपड़े धुले तो मैं कपड़े उतारने आई, गीले हैं थोड़े तो ये नहीं अभी उतार। ये इसने भी अपनी यूनिफॉर्म धुली थी, ये हमसे नाराज है क्योंकि आज हमने इसको डांट दिया था। तो दोस्तों हम ये ब्लॉग ना यहीं पे एंड करते हैं ना। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर।